हमारे पास घर का मकान भी नहीं था और पहले हम कच्चा जो घर होता था उसमें रहते थे। और मैंने कभी मतलब जीवन में हार नहीं मानी रवि जी, मैंने कहा भाई अपन को टाइम निकालना है, कैसे भी निकले पर ये टाइम निकालना है। और समय निकलता है, सब कुछ अच्छा होता है, बस रात दिन मेहनत करनी चाहिए, आदमी को कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम कई बार जीवन में जो काम कर रहे होते हैं उसमें सफलता ना मिलने के कारण हम उससे हताश होकर अपने पथ से भटकने लगते हैं। ऐसे में हमें ज़रूरत है हमारे आसपास के ऐसे लोगों की प्रेरित करने वाली कहानियां जानने की, जिन्होंने निरंतर अपने जीवन में कठिन मेहनत करते हुए पर्स से अर्श तक का सफ़र तय किया है। ऐसे लोगों की जीवनी से हमें सीखने को मिलता है कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकते हैं। सांगोद निवासी पवन वैष्णव की ऐसी ही कहानी आज हम आप लोगों को बताएंगे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कठिन मेहनत करते हुए निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ने का काम किया है। पवन वैष्णव ने विपरीत परिस्थितियों में भी हार ना मानते हुए कठिन मेहनत की और आज वह इस मुकाम पर है कि जहां पर वह एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। तो आइए जानते हैं पवन वैष्णव से कि कैसा रहा उनका फर्श से अर्श तक का सफ़र। पवन वैष्णव व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति शुरू से ही खराब थी। न उनके पास खुद का घर था, न ही आय का कोई खास जरिया। साथ ही पवन की तीन बहनों की शादी के बाद उन पर करीब 8 लाख का कर्जा भी हो गया। ऐसे ही स्थिति धीरे धीरे और खराब होने लगी। पवन बताते हैं उस समय उन्होंने और परिवार ने हालातों से हार नहीं मानी और पवन ने महज 15 वर्ष की उम्र में फोटो स्टूडियो की शॉप पर काम सीखना शुरू किया। कुछ समय बाद पवन और उनकी माँ, जो कि खेतों में मजदूरी का काम किया करती थी, उन दोनों ने पैसे मिलाकर करीब 6,000 रुपये में रील वाला एक सेकेंड हैंड कैमरा ले लिया। तो मेरे को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था और मैंने भी पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाया, 10वीं तक पहुँचा, 10वीं के बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल ज्वाइन करने के बाद मुझे वहाँ स्कूल में से ओनली 400 रुपये मिलते थे महीने के, और मम्मी भी मजदूरी करती थी, खेतों में काम करती थी, तो वहाँ से हमने इकट्ठा करके, और उस टाइम पे एक हमारे जहाँ हमारा घर था उसके नीचे 130 स्टूडियो की, वहाँ पे मैंने काम सीखा। उसके बाद मैंने पहले STDPCO का क्रेज था, तो STDPCO से मैंने दुकान स्टार्ट करी, STDPCO प्लस स्टूडियो के नाम से। फोटोग्राफी में रुचि के चलते पवन ने कैमरा से स्कूली बच्चों के बहुत ही अच्छे अच्छे फोटो लेना शुरू कर दिए। लोग पवन द्वारा लिए गए फोटो की तारीफ करने लगे। इस दौरान लगातार कर्ज वाले पवन के घर आकर उनसे पैसों की मांग करते रहे। पवन उन्हें आश्वासन देता रहा कि धीरे धीरे सबका पैसा दे देंगे। पवन में उनके पिता लगातार अपने काम में पूरी लगन से लगे रहे। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा और पवन में उनके पिता ने अपना कर्जा चुकाना शुरू किया। रात दिन एक करके मेरी लाइन में, फोटो स्टूडियो की लाइन में काफ़ी काम किया। ऐसी स्थिति में आदमी को धैर्य रखना चाहिए और रात दिन मेहनत करना चाहिए। पवन आज उस स्थिति पर है जब उन्होंने परिवार का सारा कर्जा चुका दिया है और अब उन्होंने अपना खुद का एक अच्छा सा मकान भी बनवा लिया है। साथ ही पवन ने अपना खुद का एक अच्छा सा फोटो स्टूडियो भी लगा लिया है, जहां वो फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले लड़कों को काम सिखाते हैं। पवन बताते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, काम कैसा भी हो, अगर आप पूरी लगन और मेहनत से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस परेशानियों से डरना नहीं चाहिए और निडर होकर परेशानियों का सामना करना चाहिए। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।